गुड मॉर्निंग एवरी वन, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट व्लॉग. वेलकम बैक टू माई चैनल. एंड आज जो है इज़ रियली वेरी 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 नाइस डे फॉर मी. आपको बाद में पता चलेगा, मैं बाद में बताऊँगी. और मे बी आप लोग अगर गेस कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना. तो या मैं फिर से रेडी हो गई हूँ क्योंकि ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं. एज सच कुछ स्पेशल प्लान्स तो नहीं है, बट थे जो कि अब मुझे पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑफिस. तो वो चीज़ हम करते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे. और मैंने अभी न्यू वर्क स्टार्ट किया हुआ है, वो मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया है. तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप लोग मुझे वहाँ जाके फॉलो करें. और आपको यहाँ पर मिल जाएगी मेरी इंस्टाग्राम हैंडल. तो मैं अब जाती हूँ ऑफिस, बहुत लेट हो चुका है, 10 बजे का टाइम था, 10:05 हो रहे हैं, तो 10:04 हो चुके हैं. तो मैं फटाक से जाती हूँ, फिर देखते हैं. मीन वाइल अगर मैं शूट कर पाई तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं घर में आके अगेन शूट करूँगी. और देखते हैं फिर क्या करते हैं आज पूरे दिन. तो या भाई ये आई एम बैक नाउ. सबसे पहले जब मैं आई इस रूम में तो ये मेरा रूम है, रूम का गेट. और मैं जैसे ही अंदर आई सी मुझे लॉकडाउन में क्या गिफ्ट मिला. मुझे डीओ गिफ्ट मिला है. अब ये पता नहीं किसने दिया है, आई डोंट नो. तो मैं देखती हूँ किसने दिया है. ये किसने दिया है बताओ. तुम बताओ किसने दिया. तुम बताओ किसने दिया. हम बताएं. मम्मी ने दिया या पापा ने दिया. मम्मी ने दिया, बोल तो रही हूँ. तुझे सब हो रहा था. तुम्ही ने दिया पक्का. तुम कहाँ से लेके आए. मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, सब कुछ तुम ही कर सकती हूँ. तो मुझको ये गिफ्ट मेरी मम्मी ने दिया. और मेरे को डीओ गिफ्ट दिया गया है क्योंकि मैं बहुत दिन तक नहाती नहीं. वेरी गुड. ये टी-शर्ट किसने दी. ये टी-शर्ट मैं लेके आई थी. तुम लेके आई थी, मेले से लाई थी ना. नहीं ये मैं मेले से लेके आई थी. ये टी-शर्ट मैं मेले से लेके आई थी. सो यू जाते समय मैंने कहा था गेस करके बताना, तो अभी तक तो गेस कर ही लिया होगा. जैसे ही मैंने ये बताया मुझे क्या गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट क्यों मिलता है. Obviously, बर्थडे होगा किसी का तो अभी मिलेगा ना. तो यार इट्स माय बर्थडे. तो मैं फिर बाहर गई थी आज मस्ती करने. मस्ती करके आ गई मैं, और मस्ती करके आ गई बताओ मैं. अगेन पानी की बॉटल हम अपने बैग से निकाल लेते हैं. और फिर से मैं एक और स्टेशनरी कल मैं लाना भूल गई थी. मैं ये पर्ल कलर्स लेके आई हूँ क्योंकि जो इलस्ट्रेशन है उसमें थोड़ा शिमर दिखाना, हमें ऐसे चमकीनियाँ दिखानी होती है उसमें, तो वो हम चमकीनियाँ दिखाते हैं इन पर्ल कलर्स के थ्रू. तो वो चमकीली चाहिए थी, तो ये चमकीली आ गई है. इसको रखूँगी मैं, मेरे कहाँ रखूँ, यही रख देती हूँ, यहाँ पर मज़ा ही आ जाएगा. ओके ये हटा देते हैं. नहीं इसमें है अभी, इसको साइड कर देते हैं. क्रीम की नाउ डेज नू नूड ऊपर रख देते हैं. तो या अभी बज रहे हैं 1:04 हो रहे हैं. मैं 5 मिनट्स पहले आई हूँ, मैंने रेडी हुआ है, मैं मतलब कंफ्यूज में आ गई हूँ. मुंह वॉश कर लिया है मैंने इसी तरीके से. अब हम कुछ खाएंगे और आज हम कुछ देखते हैं क्या करते हैं, कुछ करते भी हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ करना ज़्यादा पसंद नहीं है. बट मुझे मेरे में ही बहुत अच्छा फील होना चाहिए, मुझे बस इतना अच्छा लगता है. मतलब मेरा बर्थडे है तो मुझे खुश होना चाहिए, बस वो मैं हूँ. मतलब मॉर्निंग में नहीं थी, मतलब घर से निकलना होता है ना तो मैं अच्छा फील नहीं करती. मैं घर के अंदर ही अच्छा फील करती हूँ बस. तो मैं घर के अंदर होती तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, घर के बाहर जाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. ओके तो मैं मिलती हूँ आपसे अब आफ्टर लंच, तब तक आप लोग एंजॉय करो. या आई एम बैक. अभी मैं बस रेस्ट कर रही हूँ, रेस्ट करूँगी अभी क्योंकि बहुत भारी काम करके आई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करूँगी. और फिर मुझे लग रही है भूख, तो अभी कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो मैं अभी कुछ खाऊँगी ही नहीं. तो मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर जब खाना होगा मतलब बन जाएगा, मम्मी बनाएंगी तब मैं खाऊंगी. या और मम्मी मेरे लिए क्या बना रही हो. समोसे बना रही हूँ. तुमको पता है मैं समोसे खाती भी हूँ. आटे के समोसे बना रही हूँ. तो आटे के समोसे से मैं मोटी नहीं होंगी. नहीं एक दिन में मोटे नहीं होते. एक दिन में मैं तो मोटी हूँ ऑलरेडी. कोई बात, एक दिन में नहीं होंगी, थोड़ी पतली हूँ. तो हमारे लिए बन रहे हैं आटे के समोसे, और बाकी बच्चों के लिए बन रहे हैं मैदे के समोसे. और अब मैं पूड़ी बेलूंगी. तो पूड़ी कैसे बेलते हैं.
ओके, तो हमारा जो है पूड़िया बन चुकी है, यहाँ पे बिल चुकी है दोनों, ये जो दोनों आटे हैं ये दोनों रेडी हो चुके हैं बिल के, और हमारी सब्जी भी यहाँ पे बन चुकी है। तेल जो है गरम हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी सारी चीज़ें प्रिपेयर। फिर हम खाएंगे समोसे, क्योंकि समोसे खाने से मोटे होते हैं, तो हम मोटे हो जाएंगे। लेट्स गो, मेरा काम ख़त्म हो गया। गुड इवनिंग गाइज, अभी हो रहे हैं 5:15 और मेरा जो है कुछ गेम खेलने का मन हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम खेलेंगे 16 पर्ची। बेसिकली जो है जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग खेलते थे, हम तीन लोग, मतलब मैं, मेरी सिस्टर और मम्मी, ये गेम, और हम लोग को बहुत अच्छा लगता था ये गेम खेलने का, क्योंकि उस टाइम हम लोग पढ़ते होते थे तो पढ़ने के मतलब ब्रेक लेने के लिए मम्मी हम लोगों के साथ ये वाला गेम खेलती थी। तो आज वही गेम हम लोग फिर से खेलेंगे और इन्जॉय करेंगे थोड़ा सा। तो मैं ना अभी पर्चियाँ बनाने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं पर्चियाँ। तो या तो वो मैं बना रही थी, अब हम बनाएंगे। ये रेडी हो चुके हैं पटाख से, आप जो इनको बॉल में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं गेम। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे भाई से मंगाई थी बॉल, मतलब बाउल वाला बॉल, वो बॉल लेके आई। ओह गॉड, ऐसा कौन करता है? कैसे लोग हैं, इतना कैसे चलेगा? तो आज हमने यही गेम खेला, अपना इवनिंग गेम यही खेल करके हमने जो है टाइम पास किया। और आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ऐस सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, ना मैं करती हूँ, ना मुझे करना पसंद है कोई पार्टी वार्टी एंड ऑल दैट फालतू की चीज़। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लंडर लगता है, ये सब पार्टी करना और ये सारी चीज़ें, तो मैं वो नहीं करती हूँ। और केक आता था मेरे बर्थडे में, बट लॉकडाउन है इसलिए वो भी नहीं आया इस बार। तो मम्मी ने घर में ही समोसे बनाए, जैसे आपने देखा व्लॉग में कि समोसे बने, मैंने पूड़ियाँ बेली थी और सब्जी मम्मी ने बनाई थी, तला भी मम्मी ने ही था। तो यही था आज का मेरा पूरा दिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, मैंने बहुत ही सिंपल ही रखा है इस व्लॉग को। तो या मैं यहाँ पे एंड करती हूँ इस व्लॉग को, और अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग लाइक बटन दबा के जाएँ, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। तो या ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। सो या मिलती हूँ अब मैं आपको कल के व्लॉग में, बाय।